कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि हमें हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। जी हाँ, एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहां जब हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने पैरों की रस्सी बांध कर रखा गया है। उसने पहले से सोचा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद करके रखा जाता होगा। वहां का दृश्य देखकर बिल्कुल वह शॉक हो गया। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैरों को। ये तो इस रस्सी को आसानी से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं अभी। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके लिए सामर्थ्य बात नहीं था। वे रस्सी नहीं तोड़ पाए और ये मान लिए कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उनसे नहीं टूट सकती। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये प्रयास नहीं करते हैं। सुनकर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन हाथियों की तरह हमें भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी कार्य को प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसे कभी सफलता नहीं मिलती। इसे नकारात्मक सोच के कारण हमें प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता बात यह है कि हमें नकारात्मक सोच को हटानी होगी और सकारात्मक के साथ कार्यों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। इससे हमें सफलता आसानी से मिल सकती है। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।